तो भारत में चीते पूरे 70 सालों के इंतजार के बाद आ रहे हैं और इसे लाने की कोशिशें पिछले 4 दशकों से जारी थी। ये नया मेंबर है जो 17 सितंबर को हिंदुस्तान की सरजमी पर 70 साल के बाद नजर आएगा। नामीबिया से आने वाले चीतों के भारत पहुंचने में भले ही 72 घंटे बचे हों, लेकिन एबीपी न्यूज पर आज और अभी उन चीतों का पहला ट्रेलर रिलीज देखिए जो शनिवार को भारत पहुंचेंगे। ये उन्हीं चीतों की जोड़ी है जो उस टोली का हिस्सा है जिन्हें नामीबिया से हिंदुस्तान लाया जा रहा है। नामीबिया में इन्हें हिंदुस्तान भेजने की तैयारी भी लगभग पूरी हो चुकी है। भारत लाए जाने वाले इन दोनों चीतों को रुईबर्ग वाइल्डलाइफ वेटरनरी पार्क में रखा गया है। भारत रवाना होने से पहले इन्हें इस वेटरनरी पार्क में इसलिए रखा गया है ताकि इनके स्वास्थ्य और स्वभाव की पूरी रिपोर्ट तैयार की जा सके। The Namibia is making 8 animals available for reintroduction in India, and South Africa is making 12 animals available. But for a genetically viable population in India in the long term, you need at least 500 individuals. So we're going to send every year we'll send 8 to 12 animals to top them up, to increase their numbers, to bring in new genetics until they have a viable population. Namibia se cheeton ko Bharat lane ke liye taiyari kai mahino se chal rahi hai. इसके लिए जिन चीतों को चुना गया उन्हें पहले ही जंगल से निकालकर वेटनरी पार्क में रख दिया गया। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब भारत भेजे जाने वाले चीतों को वाइल्ड लाइफ की टीम जंगल से स्पेशल ट्रांसपोर्ट जोन में लेकर आई। ये ट्रांसपोर्ट जोन दरअसल वेटनरी पार्क है जहां 24 घंटे चीतों को निगरानी में रखा गया और उन्हें वही वातावरण दिया गया जो चीतों को भारत के कूनो नेशनल पार्क में मिलने वाला है। इन चीतों को जंगल में बेहोश करने स्पेशल जोन में लाया गया था। भारत में इन चीतों के ग्रैंड वेलकम की तैयारी की गई है क्योंकि चीते को हिंदुस्तान की सरजमी पर लाने की कोशिशें पिछले 13 साल से जारी थी। Since 1979, India has looked towards Africa as a source of cheetah for reintroduction, and they started negotiations with Namibia in 2010, and then around about that time, South Africa's wild cheetah population started to grow in number, to expand in number. And since 2020, we've been in negotiations with the Indian government to get South African cheetahs to India. भारत में इन चीतों का घर होगा मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क, और ये पार्क भी चीते के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। यहाँ चीते के लिए नया घर कैसे बनाया गया है इसकी पूरी पड़ताल की एबीपी न्यूज रिपोर्टर ब्रिजेश राजपूत ने। कुल मिला के 20 चीते होंगे जिनको शुरुआती दौर में ऐसे कई स्क्वायर किलोमीटर में फैले बाड़ों में रखा जाएगा, उसके बाद फिर इनको जंगलों में छोड़ा जाएगा और उसके कई महीनों बाद ही आप और हम यहाँ आके इन चीतों को देख पाएंगे। पहली खेप में जो चीते लाए जा रहे हैं उनमें 5 मेल और 3 फीमेल हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई मांसाहारी जानवर एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में भेजा जा रहा, और ये काम इतना आसान नहीं है। चीतों को भारत लाने के लिए एक स्पेशल विमान का इंतजाम किया गया है। इसी विमान में चीते 16 सितंबर को नामीबिया की राजधानी विंडहॉक से उड़ान भरेंगे और 17 सितंबर की सुबह ये विमान जयपुर पहुंचेगा और उसी दिन फिर इसे सेना के हेलीकॉप्टर से कूनो नेशनल पार्क पहुंचाया जाएगा। कूनो नेशनल पार्क में चीतों के लिए कोई कमी न रह जाए इसलिए सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के मंत्री लगातार कूनो नेशनल पार्क में तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। सब तरह के प्रबंधों का जायजा लिया गया है और जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है उसके पूरे पालन करने की पूरी तस्दीक की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर ने सारे विषयों का निरीक्षण किया और हम इस बात से बहुत संतुष्ट हैं कि जिस तरीके से ट्रांसलोकेशन चीतों का हो रहा है उसको पूरे अच्छे तरीके से मध्य।
शुरुआत में चीतों को 5 वर्ग किलोमीटर के इलाके में रखे जाने की योजना है। इस इलाके में पानी के 8 स्रोत बनाए गए हैं और चीतों के शिकार के लिए यहाँ 25,000 से ज्यादा चीतल, सांबर और नीलगाय मौजूद हैं। चीतों की सुरक्षा के लिए 12 किलोमीटर की फेंसिंग की गई है, जिसमें डीसी करंट भी लगाया गया है ताकि कोई पार न कर सके। मध्य प्रदेश में चीतों की उनके नए घर में एंट्री पीएम मोदी के हाथों होगी और उसी दिन पीएम मोदी का जन्मदिन भी है, इसलिए वो भी कूनो नेशनल पार्क में मौजूद रहेंगे। इस पार्क को 2 दशक पहले शेरों को रखने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन यह चीतों का घर होगा और इसके साथ ही एशिया में ईरान के अलावा सिर्फ हिंदुस्तान में चीतों की दहाड़ सुनी जा सकेगी। भारत पूरी तरीके से उत्साहित है, इंतजार हो रहा है, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद, 70 सालों के इंतजार के बाद वो पल आने जा रहा है, वो तारीख नजदीक आ गई है जब जो प्रयास किए गए वो पूरे होने जा रहे हैं। 4 दशकों से क्योंकि कोशिश की गई कि चीता जो कि भारत लाया जा सके, अब वो तारीख यानी 17 सितंबर को वो दिन यानी परसों की वो तारीख होगी जब चीते का इंतजार खत्म होगा और पूरी तरीके से इसकी तैयारी हो गई है। 2 तस्वीरें हैं आपके सामने। खास विमान तैयार है जो नामीबिया से इन चीतों को लेकर भारत की सरजमी पर लौटेगा। उस विमान को भी खास तौर से तैयार किया गया। देखिए उसके आगे की जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से चीते की शक्ल पर बनाया गया है। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए संवाददाता विवेक वाजपेयी जुड़ गए हैं। विवेक वाजपेयी, 4 दशकों से प्रयास किया जा रहा था और अब जाकर वो इंतजार खत्म होगा जब 17 सितंबर को 8 चीते भारत आएंगे। बिल्कुल सही कहा सिरीन आपने, और ये इंतजार अब कुछ घंटों का बचा है। एबीपी न्यूज पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस प्लेन की देख रही हैं, जिस प्लेन में 8 चीतों को नामीबिया की राजधानी विंडहॉक से पहले जयपुर लाया जाएगा और जयपुर से सीधा इनको श्योपुर में जो क्यूनो नेशनल पार्क है वहां पर। प्लेन की खासियत की अगर बात करें तो एक्स्ट्रा इसमें टायर लगाए गए हैं, एक्स्ट्रा अरेंजमेंट अंदर किया गया है ताकि चीतों को कोई तकलीफ ना हो, और 2 वेटनरी डॉक्टर जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक नामीबिया से 2 जो वेटनरी डॉक्टर हैं वो भी इसी फ्लाइट में सवार होकर जयपुर और कूनो तक आएंगे। अगर कोई रास्ते में चीतों के इलाज की या कोई और ऐसी जरूरत पड़ती है उसके लिए तो सारी तैयारियां कर ली गई हैं। करीब 12 से 13 घंटे लगते हैं विंडहॉक से जयपुर का जो सफर होगा हवाई यात्रा का वो, और उसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए इन चीतों को कूनो नेशनल पार्क में शिफ्ट किया जाएगा और 17 सितंबर को दोपहर 12:05 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जन्मदिन है उसके मौके पर कूनो में 2 चीतों का उसमें रखे गए उनको निकालने का लीवर प्रधानमंत्री मोदी उठाएंगे और उसके बाद जो बाकी के चीते हैं उनको छोड़ा जाएगा। तो तैयारियां सारी मुकम्मल हो गई हैं। आपने देखा कि जो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह है उन्होंने जाके वहां पे जायजा लिया है। नामीबिया में इंडियन एम्बेसी जो है वो लगातार टच में है और उसी की तरफ से ये तस्वीरें और वीडियो जारी किए गए हैं जिसमें बताया गया है कि कैसी खास तैयारियां की गई हैं हिंदुस्तान में चीते की वापसी को लेकर। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।